हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा आकाशिक रिकॉर्ड्स का इंट्रोडक्शन कोर्स देखने में। ये हमारा बोनस लेक्चर है जहाँ पर हम जानेंगे एडगर केसी के बारे में। एडगर केसी, हो सकता है आप लोगों ने नाम सुना हो, बिकॉज़ ही वाज अ वेरी फेमस अमेरिकन साइकिक एंड फेथ हीलर। सो बहुत ही फेमस फेथ हीलर थे वो, और उन्हीं के वजह से आकाशिक रिकॉर्ड्स इतना पॉपुलर हो पाया है। सो अभी जो हम सब आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, ये सब एडगर केसी के ही वजह से है, बिकॉज़ ही इज़ द वन हु मेड इट सो पॉपुलर। तो चलिए एडगर केसी के बारे में थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। एंड दिस नॉलेज आई विल बी शेयरिंग फ्रॉम बुक ऑफ लिंडा हाउ, माई टीचर ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, सो लेट्स डाइव। सो ये बोलते हैं कि इन मिड 20th सेंचुरी एडगर केसी वॉज द ओनली पर्सन रीडिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स पब्लिकली। सो ही वॉज द वन हु यूज टू रीड आकाशिक रिकॉर्ड्स पब्लिकली। सबके सामने वो आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ते थे और उनके इस इन जो वो रीडिंग्स करते थे उनको रिकॉर्ड भी किया जाता था। एंड ही वॉज नोन एज अ स्लीपिंग प्रॉफिट। उनको स्लीपिंग प्रॉफिट बोला जाता है बिकॉज वो क्या करते थे, उनका एक मेथड था कि ही यूज टू ले डाउन ऑन हिज काउच। उनकी जो काउच थी उस पर वो लेट जाते थे, अपने हैंड्स को फोल्ड करके अपने स्टमक पर रख लेते थे, एंड वो एक सेल्फ इंड्यूस्ड ट्रांस स्टेट में चले जाते थे। ठीक है, एक ट्रांस स्टेट में जाते थे, उनको कोई लेके नहीं जाता था, दैट वाज सेल्फ इंड्यूस्ड। वो खुद से जाते थे उस स्टेट में, और फिर वो जब उस स्टेट में जाते थे फिर उनसे एक एक करके क्वेश्चंस पूछे जाते थे और वो उन क्वेश्चंस का आंसर करते थे। एंड व्हेन ही यूज्ड टू वेक अप ही डिडंट रिमेम्बर एनीथिंग। जब उनसे पूछा जाता था कि आपने इसके बारे में ये बोला, ऐसे बोला, बट उनको कुछ याद नहीं रहता था बिकॉज ही वॉज इन टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एट दैट टाइम। तो जब भी वो कुछ भी रीडिंग करते थे तो वो सारी की सारी रिकॉर्ड की जाती थी, और वो सारी रीडिंग्स उनकी रिकॉर्डेड हैं। एंड फॉर 43 ईयर्स केसी गेव डेली आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स। उन्होंने डेली हमें रीडिंग्स दी, एंड टुडे दोज रीडिंग्स मोर देन 14,000 ऑफ देम आर अवेलेबल टू अस पब्लिकली। एंड अगर आप देखेंगे एडगर केसी की बुक्स, तो उन बुक्स में आपको वो रीडिंग्स ही मिलेंगे। एंड ही गेव रीडिंग अबाउट ऑलमोस्ट अबाउट एवरी थिंग। ज़्यादातर उनके जो टॉपिक्स थे दैट वर मोर रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, बट उन्होंने बाकी चीज़ों पर भी रीडिंग दी, और बहुत सारे लोगों की पर्सनल लाइफ की भी उन्होंने रीडिंग्स की थी। सो ही वॉज द वन हु पॉपुलराइज आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, सो द क्रेडिट गोज टू एडगर केसी फॉर गिविंग अस दिस आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो ऐसे नहीं है कि और कोई नहीं करता था या और कोई एक्सेस नहीं करता था, बट द थिंग इज कि जो एक पॉपुलैरिटी थी आकाशिक रिकॉर्ड्स की, एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स कमिंग इन टू कॉमन कॉन्शियसनेस, लोगों को जानने को मिले, लोगों को समझने को मिले, वो चीज़ एडगर केसी ने किया। तो चलिए एडगर केसी की एक और बुक है और उसको भी हम देखते हैं एक बार। सो इन दिस बुक इट सेज दैट इन टर्म्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंसाइट्स, परहैप्स द मोस्ट एक्सटेंसिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स कम्स फ्रॉम द क्लेयरवॉयंट वर्क ऑफ एडगर केसी। ओके, सो ही वॉज अ क्रिश्चियन मिस्टिक, ही वॉज अ फेथ हीलर, ही वॉज अ साइकिक। ही हैड अ लॉट ऑफ साइकिक अबिलिटीज। सो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ही इज द वन हु पॉपुलराइज आकाशिक रिकॉर्ड्स। सो एडगर केसी पजेस द अबिलिटी टू लाई डाउन ऑन द काउच, क्लोज हिज आइज, फोल्ड हिज हैंड्स ओवर हिज स्टमक एंड पुट हिमसेल्फ इन टू सम काइंड ऑफ एन ऑल्टर्ड स्टेट इन विच वर्चुअली एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज अवेलेबल। तो वो एक अपने आप को ऑल्टर्ड स्टेट में रखते थे, जिसको हम सेल्फ इंड्यूस्ड ट्रांस स्टेट बोल सकते हैं। वो उन अपने आप को उस स्टेट पर लेके जाते थे, एंड ही कुड एक्सेस एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन टू दैट स्टेट। वेन आस्ड अबाउट द सोर्स ऑफ हिज इंफॉर्मेशन, केसी रिप्लाइड दैट देयर वर एसेंशली टू। सो जब उनसे पूछा गया कि आप
कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, ये जो आप रीडिंग करते हैं ये कैसे लेकर आते हैं आप, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? तो उन्होंने बताया कि दो सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन रहते हैं। पहला तो सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द पर्सन फॉर हुम ही वॉज गिविंग द रीडिंग, जिनकी रीडिंग करते हैं उनका खुद का सबकॉन्शियस माइंड, और दूसरा उनका आकाशिक रिकॉर्ड। तो ये दो सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन हैं जिनसे एडगर केसी किसी भी इंडिविजुअल के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते थे, उनके बारे में सारे क्वेश्चंस जो होते थे उनके क्वेश्चंस के सारे आंसर्स वहां से लेकर आते थे। सो इस तरह से आप देखेंगे कि एडगर केसी की बहुत सारी रीडिंग्स हैं रिगार्डिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स, एंड उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे पूछा जाता था उनके इस इंड्यूस्ड स्टेट में आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, आप ये इन्फॉर्मेशन कैसे लेकर आते हैं, ये इन्फॉर्मेशन कैसी दिखती है, कैसे आप एक्सेस करते हैं, जब आप रिकॉर्ड्स में जाते हैं तो कैसा लगता है। तो ये सारी चीज़ें एडगर केसी ने बोली हैं और लोगों ने उसे डॉक्यूमेंट किया है, और आपको बहुत सारी एडगर केसी की बुक्स मिल जाएंगी जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनकी रीडिंग्स पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट जो उनकी रीडिंग्स आकाशिक रिकॉर्ड से रिलेटेड हैं, मीन्स ऑन आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स, वो मैं थोड़ा सा, ऑब्वियसली मैं सारी रीडिंग्स उनकी नहीं ले सकती, बट हाँ थोड़ा थोड़ा जो भी हमारे कोर्स के लिए रेलिवेंट होगा, जो भी अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलिवेंट होगा, वो ज़रूर टाइम टू टाइम मैं उनकी रीडिंग्स में उठाती जाऊँगी, उनकी केस स्टडीज़ हम पिक करेंगे और उनको समझेंगे कि वो कैसे एक्सेस करते थे, उनका क्या मेथड था एक्सेस करने का, और अपना खुद का मेथड भी हम सीखेंगे हाउ टू एक्सेस द आकाशिक रिकॉर्ड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉयड लिसनिंग अबाउट एडगर केसी। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।